अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। नसीम फूड इंडियन रेसिपी में आप सभी का वेलकम करती हूं दिल से। आज मैं बना रही हूं ड्राई तूर की दाल। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर तूर की दाल को एक घंटा भिगो के रखा था, तो अच्छे से भीग गई है। अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल वॉच करना आप लोग इस वीडियो को। और कैसी लगी मुझे बना के खा के मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कैसी थी बोल के। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, थोड़ा ही डालेंगे। अच्छे से तेल गरम हो चुका है हमारा, अब डालेंगे जीरा राई। ये ऑनियन स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक से कट कर ली है, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बहुत टेस्टी बनती है दाल, आप ज़रूर ट्राई करना। आप चपाती या रोटी के साथ, राइस के साथ भी खा सकते हैं दाल को। अब डालेंगे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। तो मैं ये धनिया पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, तो आपको मैं वही कह रही थी। चलिए ये भी डाल दिया धनिया पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी ही डाली है मैंने। अब दाल डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल को। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालती हूँ पानी, पानी डाल के 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। चलिए ढक लेते हैं, 5 मिनट तक बनाएंगे। तो हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है, देखिए माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो चलिए इसको थोड़ा ऐसे चम्मच से थोड़ा हिलाना है, इसके बाद देखिए हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है तुम्हारी दाल, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।